एक हफ्ता हो गया है सरकार सोई हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक इतिहास में। आप SRTC में जाइए, वहाँ भी तीन तीन महीने पेंशन नहीं मिली, लोग बीमार हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मुझे लोगों के फील्ड से फोन आ रहे हैं, लोगों ने बैंक से लोन लिए हुए हैं, किसी ने कार लोन लिया है, किसी ने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया। अगर अभी मैं आपको अपना बैलेंस बताऊं बैंक का, तो मेरे पास 632 रुपए हैं। एक MD जो चेयरमैन लगाया है मीणा साहब, वो 6 बजे आते हैं शाम को और 11 बजे जाते हैं यहाँ से, है ना, और किसी को मिलने नहीं देते हैं। चीफ इंजीनियर से नीचे उसको मिल ही नहीं सकते, वो गेट आउट कर देते हैं। सरकार दे ही नहीं पाएगी, जब वो 125 नहीं दे पा रही है तो 300 कहाँ से देगी। कलेक्टिव फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ जो ये सारा महाभारत किया जा रहा है, हमारा जो यहाँ पर ये नंगा नाच करवा रही है मैनेजमेंट, इसकी आवश्यकता नहीं थी। हम लोगों ने काम किया, वेतन चाहिए। एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये बहुत गलत है। बाल बच्चे कैसे पालेंगे घर में, राशन पानी। बच्चे बोलते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि भी आप लोग हमें ये चीज लाओ ये चीज लाओ। हम क्या बोले उनको कि हमारे पास पैसे नहीं, अभी हमारी तनख्वाह नहीं आई। उधर से गवर्नमेंट कह रही है कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, जब वो 125 नहीं दे पा रहे तो 300 यूनिट कहाँ से देंगे। हमने मैनेजमेंट जब यहाँ होती नहीं, अभी हमारे पूर्व में पेंशनर साथियों ने कहा कि MD साहब 6 बजे के बाद आते हैं, दफ्तर 5 बजे क्लोज हो जाता है। हमें तो ये पता नहीं है कि 6 बजे के बाद और 11 बजे तक कौन सा षड्यंत्र हो नहीं है, क्योंकि तनख्वाह का ना मिलना बीमारी का एक लक्षण है, और लक्षण को हटा के हमारा समस्या हल नहीं होगी। बड़ी बीमारी क्या है? हमें बड़ी बीमारी जो हमारी है वो ये है कि हमारे जो MD हैं वही HPPCL और DOE के भी MD हैं, और इसीलिए आप भी समझेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाई गई है तो इनके इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। DOE का मकसद है सबसे महंगी से महंगी बिजली बेचना, और बिजली बोर्ड का मकसद है सस्ती से सस्ती लेना, ताकि हम अपने कंज्यूमर्स को सस्ती बिजली प्रोवाइड करें और हमारा खर्चा कम होगा। जब हमारा खर्चा कम होगा तो हम अपने आप को सस्टेन भी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी बीमारी है वो ये है कि हमारा MD जो है वो कॉमन है DOE और HPPCL के साथ, तो उनको हटाना, उनको यहाँ पे हटाना या उनके यहाँ का ही देना, स्थाई MD यहाँ मिलना, ये सबसे बड़ी बीमारी है जो हम जिसका हल हमें चाहिए ही चाहिए। इसी के लिए ये आंदोलन। हम MD से व्यक्तिगत नाराज नहीं, पर उसकी कार्य प्रणाली से नाराज है। हम कहना चाह रहे हैं जो वर्तमान में बिजली बोर्ड की सिचुएशन खड़ी हुई है उसमें MD का बहुत बड़ा रोल है, और उसकी सारी मिसमैनेजमेंट है, लापरवाही है, जिस करके आज की जो आज तनख्वाह पेंशन आपकी बंद है। हम कहना चाह रहे हैं, हमने 25 मई को भी माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी, तब भी यहाँ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। हमने मांग की थी कि हरिकेश मीणा को बिजली बोर्ड से हटाया जाए, लेकिन आज आप 9 महीने में लगातार इस बिजली बोर्ड को अस्थायी एडवोकेट पर चला रहे हैं, जिससे आज बिजली बोर्ड की हालत खराब हुई है। इस करके पहली मांग हमारी ये है कि हरिकेश मीणा जी को हटाया जाए, यहाँ एक परमानेंट MD लगाया जाए। इसके साथ साथ बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन से भी लोग वंचित है, ये भी हमारी मांग है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को जवाब दे, पर हम यही कहना चाहेंगे अगर सरकारें कोई फ्री बिजली देना चाहेंगे उसका जो रोल बैक सब्सिडी है बिजली बोर्ड को मिलना चाहिए और टाइमली मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। सरकार से बातचीत प्रोटेस्ट तो हम कर ही रहे हैं, ये 52 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे साथियों को ना वेतन मिला है ना हमें पेंशन मिली है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और बिजली बोर्ड में हम लोगों ने 37 साल काम किया है, और ये बिजली बोर्ड ऐसा दुधारू गाय रही है। हमने सरकारों को भी बेल आउट किया है, जब सरकार के पास पैसा नहीं होता था तो करोड़ों रुपया हम लोगों ने इंडस्ट्री से, बड़ी बड़ी ACC अंबुजा कंपनी से, उनसे एडवांस में टैरिफ के अगेंस्ट, अपने बिलिंग के अगेंस्ट करोड़ों रुपया लेके हमने सरकार को सहायता दी है। लेकिन आज एक हफ्ता हो गया है सरकार सोई हुई है। मैं एक बात अवश्य आपको कहूँगा कि ये एक षड्यंत्र है, एक ये षड्यंत्र है, ये एक ऐसा षड्यंत्र है कि महाभारत जो यहाँ पर चलाया जा रहा है इसके पीछे वो लोग हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को जानने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक इतिहास में। आप SRTC में जाइए, वहाँ भी तीन तीन महीने पेंशन नहीं मिली। आपको एक चीज में बतलाई कि मेडिकल के बिल्स 6-6 महीने से पेमेंटें नहीं हुई हैं, लोग बीमार हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मुझे लोगों के फील्ड से फोन आ रहे हैं, लोगों ने बैंक से लोन लिए हुए हैं, किसी ने कार लोन लिया है, किसी ने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया है, सब में 3, 4, 5 तारीख जो है कट ऑफ ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से रिकवरी की बात की है। कितने लोगों को अब मैसेज आ रहा है मेंटेन योर मिनिमम अकाउंट। अगर अभी मैं आपको अपना बैलेंस बताऊं बैंक का, तो मेरे पास 632 रुपए हैं।
मैं 632 में क्या करूँगा, गैस बहुत कमी है। जो भी लगाए वो डूबियस पर्सन लगाए गए हैं, इनका हमें पता नहीं लगता ये क्या करते हैं। एक एमडी जो चेयरमैन लगाया है मीणा साहब, वो 6 बजे आते शाम को और 11 बजे जाते हैं यहाँ से, है ना, और किसी को मिलने नहीं देते हैं। चीफ इंजीनियर से नीचे उसको मिल ही नहीं सकते। मीणा आया है, इसको तीन तीन डिपार्टमेंट दे रखे हैं इसको। ये क्या गवर्नमेंट क्या सोच के दे रही है इसको? ये डूबियस पर्सन है, मोस्ट डूबियस पर्सन, इसको एकदम हटा देना चाहिए यहाँ से। दे ही नहीं पाएगी, जब वो 125 नहीं दे पा रही है तो 300 कहाँ से देगी? कहाँ से देगी वो पैसा बिजली बोर्ड को? अगर 300 देनी होगी तो हमारे को तो साल साल तक पेंशन ही नहीं मिलेगी। वो पैसे ही नहीं देते है वापिस। शो नहीं है, इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ जो ये सारा महाभारत किया जा रहा है, हमारा जो यहाँ पर ये नंगा नाच करवा रही है मैनेजमेंट, इसकी आवश्यकता नहीं थी। हम लोगों ने काम किया, वेतन चाहिए कि ऐसे चेहरों को नंगा करे, उनकी अकाउंटेबिलिटी करे, उनकी जवाबदेही करे। ये बात मीडिया का भी ये फर्ज है कि मीडिया भी उन लोगों को खंगाले, उन लोगों के बारे में पता करे कि कौन लोग ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, मीडिया से हम बहुत आशा रखते हैं, हम आशा करते हैं कि मीडिया हमें निराश नहीं करेगा। कि भी गुंजा साहब में पहली बार हुआ है और इस ऑर्गेनाइजेशन से लगभग 50,000 परिवार जुड़े हुए हैं, अगर इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो 50,000 परिवार उनको दिक्कत आएगी। हम कहना चाहेंगे सैलरी नो डाउट आज की डेट हमारा इशू है, लेकिन जो है आज बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है, इसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा पिछले 4 दिनों से हम यहाँ सड़कों पे हैं, लेकिन सरकार ने फिलहाल अभी तक कोई वार्ता नहीं की है। उम्मीद करेंगे जैसे सीएम साहब ने भी दिल्ली से मैसेज भेजा कि मेरा इंतजार करो, तो उसका वेट। लेकिन मंगलवार को अगर कुछ समाधान नहीं होता, एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। सेवाएं दे रही हूं जी, 30 साल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो इस बार हो रहा है। ये बहुत गलत बात है कि एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये बहुत गलत है। बाल बच्चे कैसे पालेंगे, घर में राशन पानी, बच्चे बोलते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि भी आप लोग हमें ये चीज़ लाओ ये चीज़ लाओ। हम क्या बोले उनको कि हमारे पास पैसे नहीं, अभी हमारी तनख्वाह नहीं आई, हमारी पेंशन नहीं आई, तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये आपने मैनेजमेंट की नाकामी की वजह से हो रहा है, और सरकार की भी कुछ नाकामियां हैं। जो 125 यूनिट बिजली फ्री की है ना, वो नहीं करनी चाहिए थी। उधर से गवर्नमेंट कह रही है कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, जब वो 125 नहीं दे पा रहे तो 300 यूनिट कहाँ से देंगे? तो ये सबसे बड़ी नाकामी लग रही है गवर्नमेंट की भी। और जो ये फ्री की रेवड़िया, सरकार ने एक नया ट्रेंड चलाया है कि वोट बैंक को बनाने के लिए आप कोई राशन फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो, उसका सीधा असर आज कर्मचारियों पे पड़ेगा और कल को उपभोक्ताओं पे पड़ेगा। आज कर्मचारी अपने हकों के लिए सड़कों में, कल उपभोक्ता उतरेगा। सबसे मुख्य कारण आज जो प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को तनख्वाह नहीं मिली है, सबसे बड़ा कारण है एक जो मैनेजमेंट है, निकम्मी मैनेजमेंट और मूर्ख मैनेजमेंट यहाँ बिजली बोर्ड में बिठा रखी है। जिले कर्मचारियों के सेंटीमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कर्मचारी 4 दिनों से सड़कों पे है और आप दिल्ली में मजे उठा रहे हैं। आप कर्मचारियों से बात करिए, कर्मचारी ऐसे नहीं कि सीधे सड़कों में उतरे हैं। जब आपकी नाकामी के वजह से कर्मचारी जब यहाँ होती नहीं है, अभी हमारे पूर्व में पेंशनर साथियों ने कहा कि एमडी साहब 6 बजे के बाद आते हैं, दफ्तर 5 बजे क्लोज हो जाता है। हमें तो ये पता नहीं है कि 6 बजे के बाद और 11 बजे तक कौन सा षड्यंत्र वो इस कार्यालय में रच रहे हैं, और हमें तो ये लगता है कि किसी दिन इस बोर्ड में फट्टा लग जाएगा रात को, और सुबह जब कर्मचारी 9 बजे आएंगे तो ये अडानी की हो जाएगी, ये बिजली बोर्ड अडानी का हो जाएगा। इसलिए आज कर्मचारी संघर्ष में है और हम संघर्ष में रहेंगे, और आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार और मैनेजमेंट को अहम सटीक शब्दों में कहना चाहते हैं कि अपनी बैटरियां चार्ज रखें, क्योंकि कर्मचारी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आप ओपीएस की बात ले लीजिए, आप उन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को आज ओपीएस के लिए रुला रहे हैं जिन कर्मचारियों ने लाठियां खाई पिछली सरकार में, फ्रंट फुट पे काम किया, 63 दिन आधी भूख हड़ताल में बैठे, आज वो कर्मचारी महरूम है पेंशन से। हम सरकार को आपके माध्यम से सटीक शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप ओपीएस इस एमडी को हटा दीजिए और कर्मचारियों को और पेंशनरों को नियमित रूप से सैलरी मिलनी चाहिए, अन्यथा कर्मचारी किसी भी हद तक जाने के लिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, 49 साल हो गए बिजली बोर्ड को बने हुए, बिजली बोर्ड में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ है, जो हिमाचल को आत्मनिर्भर करता है। लेकिन आज इन लोगों ने इसको बेच करके खा करके खाली कंगाल करके रख लिया हुआ है। ये हिमाचल बोर्ड, ये सिर्फ मिनिस्ट्री मैनेजमेंट की।